Assalamualaikum guys, welcome back to another video. तो हम आगे हैं जैक डार्लिंग बीच दोबारा से और हम समर में आए तो अभी हम स्विमिंग करेंगे और बहुत थक गए यार हमें और मैं रैकेट्स भी लेके आया हूँ, खाना भी लेके आया हूँ, ऑस्मोस भी लेके आए, सब कुछ लेके आए। अब हम चलेंगे जैक डार्लिंग बीच, तो हम सैंड में खेलेंगे, लेट्स गो। और गाइस ये बहुत क्राउडेड हुआ है, एक्सट्रीम क्राउडेड, पार्किंग मिल ही नहीं रही है कि मिल गई मिलने से, पार्किंग तो बहुत क्राउडेड हो रहा है बहुत। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच गए थे बीच पे और इस बीच का नाम था जैक डार्लिंग बीच और मैं इधर पहले भी गया वो आई मेड अ वीडियो अ लॉन्ग टाइम बिफोर अबाउट दिस बीच। तो हमने सोचा था कि कहीं जाते हैं, लाइक वीकेंड पे कहीं चलना है, तो इसलिए हमने सोचा क्या चलो बीच चलते हैं। सो लाइक द मोस्ट बेस्ट बीच वी हैव एवर सीन इज जैक डार्लिंग बीच, क्योंकि उसका पानी इतना क्लियर है, आप उसमें स्विम बहुत कर सकते हैं और लाइक आपको कुछ फील भी नहीं होता और लाइक गंदा फील नहीं होता, बिकॉज मोस्ट लेक्स एंड लाइक मोस्ट बीचेस हैव डर्टी वाटर। तो इसलिए जैक डार्लिंग बीच सबसे बेस्ट है अगर आपको लाइक फ्री स्विमिंग करनी है, लाइक फ्री स्विमिंग करनी है नो डर्ट पानी में। और जेट स्की भी कुछ लोग लेके आए थे तो बहुत मज़ा आ रहा था और किसी की बर्थडे भी हो रही थी और गाइस बर्थडे पार्टीज भी हो रही थी और हमारे पीछे एक हो रही थी, वो ब्लास्ट कर रहे थे पूरा म्यूज़िक और पूरा जो बीच था वो इतना क्राउडेड हुआ हुआ था और जो पार्किंग थी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतनी मुश्किल थी ना ढूंढने के लिए, लेकिन लाइक हमने ढूंढ ली थी और हम कुछ वार्मर्स भी लाइक साथ में ही लेके आ गए थे, बिकॉज लाइक कुछ खाएंगे हम तो वो लेके आ गए थे, बट बहुत लोग थे तो लाइक कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि लाइक आई लाइक मोर लाइक लेस पीपल, क्योंकि मुझे इतने लोग नहीं पसंद, बट लेकिन बहुत लोग थे और वाटर में भी बहुत लोग थे। तो इधर मैं अपने शवल खेल रहा था, मुझे बहुत मज़ा आया था एक्चुअली और वाटर की वेव्स भी बहुत थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और गाइस इधर सीगल्स को हम फीड कर रहे थे कुछ चिप्स थे, तो मुझे सीगल्स नहीं पसंद बिकॉज जब हम पहले जैक डार्लिंग आए थे तो जब हम पहले आए थे तब जब मैं कुछ खा रहा था लाइक शवरमा खा रहा था मैं, तब एक सीगल ने कुछ मेरे पे पूरा अटैक करके ले लिया था सैंडविच। उस दिन से मैं डरता हूँ सीगल्स से, सो मुझे नहीं पसंद सीगल्स। बट अभी मैं अभी फ्रिस्बी खेल रहा था मेरी सिस्टर के साथ, हमने बैडमिंटन भी खेला था, लाइक इधर देख सकते हैं हम बैडमिंटन खेल रहे थे क्योंकि मैं बैडमिंटन और फ्रिस्बी लेके आया था। मैंने सोचा था कि वाटर गन्स लेके आने का, बट देर वॉज नो यूज़ बिकॉज आई वॉज गोना गो इन द वाटर एनीवेज। और मुझे बहुत मज़ा आया था जब मैं स्विमिंग कर रहा था, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। तो आपको तो पता है मैं इतना अच्छा हूँ बैडमिंटन में, तो आप देख सकते मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। और आफ्टर लाइक मगरब के पहले एक 30 मिनट्स बिफोर मगरब हम चले गए थे वापस कार के पास। और
बट गाइस तो आपको तो पता है कि उसके बाद बीच के बाद हमें चर्च चिकन तो जाना ही था. इट इज अ मस्ट फॉर अस टू गो टू चर्च चिकन. इट इज अ मस्ट जस्ट सो यू नो. ओके तो हम चर्च चिकन आ गए थे, मैंने स्विमिंग कर ली थी, बीच पे चले गए थे. उसके बाद नाइट में आए थे हम और हम इतने आते इधर लाइक द स्टाफ इज लाइक हे द सेम ऑर्डर एंड वी आर लाइक यस हाउ डू यू नो. तो लाइक हम हर वक्त आते हैं इधर, वी लव द फ्राइज, वी लव द बिस्किट्स, वी लव द चिकन, वी लव द बर्गर्स, हमें सब पसंद है. और गाइस उनके पास एक और लाइक कोई चीज़ थी, एक पाए जैसी लाइक थी वो, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी ये. मुझे एक ही चीज़ सबसे अच्छी नहीं लगी थी, वो थी वो पाए वाली. बट आई लव द चिकन, इट्स सो गुड, प्लस द फ्राइज आर अमेजिंग. सो आपको तो वी लव चर्च चिकन and it is actually so good, that's why we love it. So here is the ending of this video. Thank you for watching, please like, subscribe, share. Aur aap dekh sakte hain main biscuit ka ke kaise ho gaya hu. So yeah, please like, subscribe, share this video and comment.